Hi everyone, welcome to Rudra IS Academy. Today we will discuss about the definition clauses of CRPC. Here's the present. As you can see that there's a definition clauses. According to the nature, there are two types of offenses. First one is cognizable and second one is non-cognizable. The cognizable offenses is, here's definition present in the section 2 sub clause C. पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि कॉग्निजिबल को हिंदी में कहते हैं संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिनमें पुलिस ऑफिसर किसी भी ऑफेंडर को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसे ऑफेंसेस को कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। और अगर आप जानना हो कि ऐसे ऑफेंसेस में सजा कैसी होती, तो जिसमें सजा 2 ईयर्स से ज़्यादा होती है उन्हें कहते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंसेस, और जिसमें सज़ा 2 साल से कम की होती है 2 ईयर्स लेस उसे कहते हैं नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंसेस। यानी कि जब सज़ा 2 साल से ज़्यादा हो तो उसे संज्ञेय अपराध कहेंगे, जब सज़ा 2 साल से कम की हो तो उसे असंज्ञेय अपराध कहेंगे। और संज्ञेय अपराध में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हैं ऑफेंडर को। इसके कुछ ऑफेंसेस के एग्जाम्पल हैं लाइक मर्डर, डकैती, रेप एंड थेफ्ट, मैनी थिंग। तो ऐसे ऑफेंसेस जिनमें सज़ा 2 साल से ज़्यादा है उसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के ही अरेस्ट कर सकते हैं, और जिनमें यानी कि असंज्ञेय अपराध यानी कि जिनमें सज़ा 2 साल से कम है, इनकी डेफिनेशन है नॉन कॉग्निजिबल की, विच इज प्रेजेंट अंडर सेक्शन 2। पुलिस ऑफिसर कैन नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी कि असंज्ञेय अपराधों में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। यही डिफरेंसेस है कॉग्निजिबल में और नॉन कॉग्निजिबल में। आगे चलते हैं, अब हम लोग आते हैं बेल पे। ऑफेंसेस में देखते हैं कि दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, पहला होता है बेलेबल, दूसरा होता है नॉन बेलेबल। बेलेबल ऑफेंसेस ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें कि एन ऑफेंस विच इज सोन बेलेबल इन द फर्स्ट स्केड्यूल और मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। बेलेबल ऑफेंस की कोई ऐसी डेफिनेशन पर्टिकुलर दी नहीं गई है, उसे बस ये बताया गया है कि आपके सीआरपीसी के फर्स्ट स्केड्यूल में, यानी कि सीआरपीसी के फर्स्ट स्केड्यूल में जो बताया गया है वही ऑफेंसेस बेलेबल होंगे, और उसी के फर्स्ट स्केड्यूल में जो बताया गया होगा वही ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। इनकी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं दी गई है, बस सेक्शन 2 क्लॉज ए में ये कहा गया है कि एन ऑफेंस विच इज सोन बेलेबल इन द फर्स्ट स्केड्यूल और मेड बेलेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स बेल इज राइट। यानी कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल है वो आप एज अ राइट क्लेम करते हैं, यानी कि जो बेल है वो आपका अधिकार होता है बेलेबल ऑफेंसेस में। और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में जो बेल प्रदान किया जाता है वो डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द कोर्ट होता है, यानी कि कोर्ट के निर्णय के या कोर्ट के विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि वो आपको बेल देंगे या नहीं देंगे। ये होता है नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है चार्ज। हम लोग डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो टुडे ओनली वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सीआरपीसीज, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस इन द, हम लोग ज्यादा स्प्रेड वे में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा है सेक्शन 2 बी विच इज डिस्कस अबाउट द चार्ज। देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ चार्ज इज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड्स देन वन। चार्ज का डेफिनेशन है कि इंक्लूड एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि चार्ज किस सेक्शन में है, तो चार्ज है सेक्शन 2 क्लॉज बी में, और उसकी डेफिनेशन है कि इंक्लूड एनी हेड चार्ज व्हेन चार्ज कंटेन्स मोर देन वन हेड। नेक्स्ट चलते हैं कंप्लेन पे। कंप्लेन सीआरपीसी के सेक्शन 2 डी में डिफाइन किया गया है। कंप्लेन के कुछ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होते हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, विच इज शोन टू यू। फर्स्ट वन इज ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट।
पहला ही क्वेश्चन आ जाएगा कि कंप्लेन किसे करते हैं, तो कंप्लेन मजिस्ट्रेट को किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि कंप्लेन ओरल करेंगे या राइटिंग, तो यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लेन ओरली भी होता है और कंप्लेन इन राइटिंग भी होती है। तो देयर इज अ मेनी क्वेश्चन, यू हैव टू रीड इट वेरी केयरफुली सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर ऑल द क्वेश्चंस। सो कंप्लेन क्या होता है, ओरली भी होता है, राइटिंग में होता है, और होता किसको है, मजिस्ट्रेट को कंप्लेन की जाती है। नेक्स्ट है विथ अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस कोड, यानी कि इस कोड के अनुसार एक्शन लेने के लिए कंप्लेन किया जाता है। दैट सम पर्सन विद अ नोन और अनोन बट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, कंप्लेन में पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं किया जाता है। पुलिस रिपोर्ट सीआरपीसी के सेक्शन 173 में डिफाइन की गई है, ठीक है। यहाँ पे कंप्लेन को पुलिस रिपोर्ट से डिफ्रेंशिएट किया गया है। कंप्लेन किससे करते हैं, मजिस्ट्रेट को करते हैं। पुलिस रिपोर्ट कौन बनाता है, तो पुलिस रिपोर्ट पुलिस के द्वारा बनाई जाती है। तो कंप्लेन एक बार फिर से देखते हैं, व्हाट इज कंप्लेन, कंप्लेन ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट, कंप्लेन हमेशा एक मजिस्ट्रेट को की जाती है। With a view to his taking action under this code and that some person or whether a known or unknown, यानि complain कौन कर सकता है, या तो known व्यक्ति करेगा तो unknown व्यक्ति करेगा। इसमें most important है कि इसमें police report को include नहीं किया जाता है, which is clearly shown, और police report है CRPC के section 173 में define किया गया है। तो complain के बारे में ये रहा। Next चलते हैं, एक एक्सप्लेनेशन है कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर इन अ केस व्हिच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट मेड शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। यानी कि अ रिपोर्ट मेड बाय अ पुलिस ऑफिसर, अगर कोई रिपोर्ट है जो कि एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा बनाई जाती है, Which discloses after investigation, अब सब जानते हैं कि investigation कौन करता है, investigation कराई जाती है पुलिस के द्वारा। पुलिस investigation कहते किसे हैं, तो investigation define किया गया है section 2H of CRPC to collect the evidence, to collect the evidence investigation होता है। तो टू इन अ केस विच डिस्क्लोजेड आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन, अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ऐसा कुछ डिस्क्लोज किया जाता है, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, अभी मैंने बताया कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, असंज्ञेय अपराध जिनमें सजा 2 साल से कम की होती है और जिसमें पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट, ओके, तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, कंप्लेंट कहेंगे। एंड द पुलिस ऑफिसर बाय होम सच रिपोर्ट मेड, यानी कि उस पुलिस ऑफिसर के द्वारा जिसके द्वारा ये रिपोर्ट बनाई गई है, मेड शैल बी डीम्ड टू बी कंप्लेनेंट, यानी कि जो पुलिस ऑफिसर एक कंप्लेंट राइट करते हैं, जो रिपोर्ट वो बनाते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कंप्लेनेंट बनाते हैं, और कंप्लेनेंट बोलते हैं जो रिपोर्ट को लिखते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 2G, सेक्शन 2G विच इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, इसका सबसे पर्टिकुलर क्वेश्चन होता है इंक्वायरी। 2G में डिफाइन किया गया इंक्वायरी को, और इंक्वायरी मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ अ कोर्ट। तो 2G में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि इंक्वायरी किसके द्वारा की जाती है, तो इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा कि इंक्वायरी जब भी होगी, जहाँ भी इंक्वायरी शब्द होगा, बी अवेयर दैट इंक्वायरी ऑलवेज डन बाई अ मजिस्ट्रेट एंड इन्वेस्टिगेशन ऑलवेज डन बाई अ पुलिस ऑफिसर, यही अंतर होता है इन दोनों में। अभी मैंने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन के बारे में, तो इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 2 और क्लॉज H में डिफाइन किया गया है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है टू कलेक्ट द एविडेंस, और इन्वेस्टिगेशन
conducted by a police officer or by any person other than a magistrate. मजिस्ट्रेट, जैसा कि मैंने आपको भी पहले बताया कि इंक्वायरी मजिस्ट्रेट करता है और इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा की जाती है, और बाय एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी हो सकता है अदर देन दी मजिस्ट्रेट, लेकिन वो मजिस्ट्रेट नहीं होगा. नेक्स्ट है जुडिशियल प्रोसीडिंग सेक्शन 2 (i) इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग इन द कोर्स ऑफ विच एविडेंस इज और मेड बाई लीगली टेकन ऑन ओथ विच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट. सेक्शन 2 एन ऑफेंस मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन. ऑफेंस का मतलब क्या होता है, कोई एक्ट या फिर कोई ओमिशन, तो उसको ऑफेंस कहते हैं. 2 ऑफिसर इन चार्ज, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है. अब आते हैं सेक्शन 2 (r) पे. अभी मैंने बताया था पुलिस रिपोर्ट के बारे में, तो पुलिस रिपोर्ट पुलिस के द्वारा बनाई जाती है. इसका डेफिनेशन है कि मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाई ए पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 2 ऑफ 173. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि जो पुलिस रिपोर्ट है वो सेक्शन 173 में डील किया गया है, और जिसकी डेफिनेशन है मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाई ए पुलिस ऑफिसर. रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही फॉरवर्डेड की जाएगी टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सब सेक्शन 173. नेक्स्ट है विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेक्शन 2 क्लॉज W, यानी कि समन केस. समन केस क्या होता है, मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस एंड नॉट बीइंग अ वारंट केस. यही समन केस की परिभाषा है कि जो वारंट केस नहीं है वो सभी समन केस है. तो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वारंट केस क्या होता है, तो अभी हम वारंट केस जान लेते हैं. फिलहाल सेक्शन 2 (WA) विक्टिम की डेफिनेशन जान लेते हैं. इसे अभी इंसर्ट किया गया है 2009 में. सेक्शन 2 (WA) विक्टिम. विक्टिम कौन होता है, तो अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस और इंजरी कॉज्ड बाय अ रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन. यानी कि जिस पर्सन को कोई लॉस हुआ है या इंजरी हुई है कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन, किसी एक्ट या ओमिशन के द्वारा, तो उसे क्या कहते हैं, विक्टिम कहते हैं. इसे अभी इंसर्ट किया गया है इस एक्ट में 2009 में. अब आते हैं वारंट केस पे. सेक्शन 2(x) डिफाइन द वारंट केस. अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस पनिशेबल विथ डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years. यानी कि वारंट केस ऐसा केस होता है जिसमें या तो डेथ पेनाल्टी दी जाती है या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ यानी कि उम्र कैद की सजा दी जाती है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, यानी कि जिसमें 2 साल से ज्यादा की सजा हो. अभी मैंने 2 साल बताया था आप लोगों को कॉग्निजिबल ऑफेंसेस में. जी हाँ, तो वारंट केस ऐसे होते हैं जो कि कॉग्निजिबल ऑफेंसेस होते हैं, उसमें वारंट भेजा जाता है. मैंने पहले ही बताया था कि कॉग्निजिबल ऑफेंस में पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, तो वही केस यहाँ भी है कि वारंट केस किसे कहते हैं, जिसमें पुलिस, जिसमें डेथ पेनाल्टी दी जाती है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ होता है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years, जिसमें कि 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है, तो उसे कहते हैं वारंट केस. तो ये था आज का डेफिनेशन क्लॉज. अब हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे कि कितने हायरार्की होती है जजेस की. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच.